हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। इससे पहले हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, आर्सेनिक की बात कर चुके हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन भी आपका नेस्ले सिलेंडर में परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, कलर फॉर्मेशन होता है, और उसके कलर को हम नेस्ले सिलेंडर में देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है जो कि हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं कि जो आयरन होता है दैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, एक फेरिक फॉर्म होता है और एक फेरस फॉर्म होता है। तो सबसे पहले फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और देन वो आगे रिएक्शन को प्रोसीड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिया है, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे फेरिक आयन लेना है। जो फेरिक आयन होता है वो क्या होता है, Fe3 पॉजिटिव। तो ये हमने क्या ले लिया, फेरिक के दो मॉलिक्यूल ले लिया। उसके बाद हमने क्या लिया, थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट करता है। सबसे पहला तो ये काम करता है। उसके बाद फेरिक जो है फेरस में कन्वर्ट हो गया, देन वो फेरस दोबारा से जो आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अब इसके दो मॉलिक्यूल हैं, इसको बोला थायोग्लाइकोलिक एसिड। अब इसको भी आपको रोटाफिकेशन नहीं करना है। ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे एक कोई लगाना है तो इट विल बी CH2। ठीक है, CH2 और ये आपका इसके साथ लग गया। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, SH। तो ये क्या बन गया, SH। अब इस ये कौन सा ग्रुप है आपका, थायो, और ये आपका क्या था, ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये आपका बन गया थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, अब इस थायोग्लाइकोलिक एसिड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। तो हम इसको दो मॉलिक्यूल हैं, तो दो मॉलिक्यूल कौन से है, CH2SH पहला ये, तो दिस इज CH2SH। दूसरा क्या है, COOH, दिस इज COOH। अब दो मॉलिक्यूल है, CH2SH है जैसे ये है, बस इसको क्या करना है, नीचे की साइड CH2SH और ऊपर COOH। तो ये आपको थायोग्लाइकोलिक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल थे उनको हमने ओपन फॉर्म में करके लिख दिए, ताकि हमारी रिएक्शन को समझना हमारे लिए इजी हो और याद करना भी इजी हो। उसके बाद आपने क्या करना है, CH, अब ये जो दो H हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है, H2 की फॉर्म में। अब क्या बचा, CH2SH, दिस इज CH2SH। ठीक है, यहाँ पे क्या है, COO, दिस इज COO। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, COO, दिस COO इज इन द फॉर्म ऑफ एसिटिक। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, तो ये COO, तो ये आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया आपका एसीटेट। देन ये वाला CH2SH, दिस इज CH2SH, और बीच में लग गया आपका आयरन। इन्होंने आपस में जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और ये इन्होंने अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया, एंड दिस कॉम्प्लेक्स गिव द पर्पल कलर, इसको बोलेंगे आयरन। Fe है तो आयरन, थायोग्लाइकोलेट, थायो इसकी वजह से थायोग्लाइकोलेट, क्योंकि ये एसिटिक फॉर्म में आ गया, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, 8 ग्लाइकोलेट। पहले क्या था, ग्लाइकोलिक एसिड, क्योंकि COH प्रेजेंट था, लेकिन अब वो COH किस में कन्वर्ट हो गया, 8 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एसिटेट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको बोला है आयरन थायोग्लाइकोलेट।
अब जो आपका टेस्ट सॉल्यूशन है और जो आपका सैंपल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम दो नेशनल सिलेंडर लेंगे, दिस इज नेशनल सिलेंडर ए एंड दिस इज नेशनल सिलेंडर बी, ठीक है। ये आपका सपोज टेस्ट ले लिया आपने और ये आपका स्टैंडर्ड है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेम जैसे कि आपने बाकी के अंदर किया, सबसे पहले हमने टेस्ट सैंपल बनाना है। टेस्ट सैंपल के अंदर आप क्या करेंगे, डिजोल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर एंड देन वॉल्यूम मेक अप अप टू 40 ml, ठीक है। पहले सैंपल लेना है, उसको 40 ml वाटर में डिजोल्व करना है, देन एड 2 ml 20% वेट बाई वॉल्यूम सिट्रिक एसिड। अब उसके अंदर आपने क्या डालना है, सिट्रिक एसिड डालना है जो कि आयरन फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी आयरन होगा तो हमारे जो स्टैंडर्ड है और रिजल्ट टेस्ट में भी डिफरेंस आएगा। एड 2 drops ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, 2 drops इसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड डालना है। एड अमोनिया टू मेक द सोल्यूशन एल्केलाइन, जैसे कि आपने क्लोराइड के टेस्ट में किया था उसके अंदर हमने क्या डाला था, एसिडिक एनवायरनमेंट बनाने के लिए HNO3 डाला था, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, एल्केलाइन बनाने के लिए इसके अंदर हम अमोनिया डाल रहे हैं। फिर इसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और कलर जो है वो उसके अंदर डेवलप हो जाएगा, और फिर हम ऐसे वर्टिकली रख के उसके अंदर इस तरीके से हम उसके अंदर क्या करेंगे, दोनों को रख के स्लैब के ऊपर और उसके अंदर ऐसे कलर देखेंगे। तो अगर स्टैंडर्ड के अंदर जो कलर इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द टेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सैंपल पास कर गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकी सब पूरा का पूरा सेम रहेगा, यहाँ पे 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन लेंगे। तब ये 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन के बनाने के लिए हम फेरिक अमोनियम सल्फेट को स्टैंडर्ड मानेंगे और उसको हम डिसॉल्व कर देंगे 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है और उसके अंदर आपने 1.72 ग्राम जो है क्या डालना है, फेरिक अमोनियम सल्फेट, और उसका जो वॉल्यूम मेकअप करना है वो आपने 1000 ml कर देना है। अब जो ये 1000 ml बना है इसका 2 ml लेना है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, उसका 2 ml लेने के बाद उसको 40 ml तक वॉल्यूम मेकअप करना है, और सेम जैसे कि आपने टेस्ट सैंपल प्रिपेयर किया था ऐसे ही आपका उसका स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेंगे और फिर दोनों के कलर इंटेंसिटी आप चेक करेंगे। तो दोनों नेचुरल सिलेंडर को वर्टिकली रखें, स्लैब पे रखेंगे और उसको वर्टिकली देखेंगे, अगर इंटेंसिटी ऑफ कलर इन द स्टैंडर्ड इज मोर देन द इन द टेस्ट, यानी कि इस आपका जो सैंपल है वो आयरन का पास हो गया, अदरवाइज आपका सैंपल फेल हो गया। तो आई होप कि आपको आयरन का लिमिट टेस्ट जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।